نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین و معتکفات, جملہ سامعین و سامعات, شرق سے غرب تک تمام ممالک میں موجود ہمارے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں جو منہاج ٹی وی کے ذریعے اور ٹی وی لنک اور ٹی وی نیٹورک کے ذریعے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور 10 راتوں کے خطابات میں شریک رہیں گے, تو یہ ورلڈ وائڈ ایکسٹینڈڈ اجتماع ہے. سو انہیں بھی مخاطب ہوں. میں نے جو آپ کے لیے استقبالیہ اور افتتاحیہ گفتگو کی اس میں آپ کے ایمانی جوش اور ولولے کو ایڈریس کیا اور آپ کو ایک میسج دے دیا. یہ وقتاً فوقتاً گفتگو میں آپ کے اس گوشے کو میں مخاطب ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی 10 راتوں میں, لیکن جب میں باقاعدہ گفتگو شروع کر دوں, درس دوں, تو اس وقت آپ جوش سے نکل کر سراپا ہوش بن کر ہمتن گوش ہو جائیں, یعنی جوش سے نکل کر سراپا ہوش بنے, ہمتن گوش بنے, اور پوری یکسوئی سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں, دل و دماغ میں اتاریں اور اپنے تصورات میں قرآن مجید اور سنت نبوی اور سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کرام اور سیرت ائمہ اہل بیت اطہار اور سیرت اولیاء و صالحین اس سے رہنمائی لیں, اپنے تصورات کی اصلاح کریں, اپنے خیالات کی اصلاح کریں, اور ایک معیار ذہن میں رکھ لیں کہ درست وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, درست وہ ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے. سچائی اور حق اور ٹروتھ وہ نہیں جو ہمارے خیال میں سچائی ہے اور ٹروتھ ہے, نہ یہ پیمانہ نہیں ہے.
अब आप कहें क्यों? इसलिए ये पैमाना नहीं कि आप हजार हा अफराद तो सिर्फ इस एतिकाफगाह में बैठे हैं, एक समंदर है। अगर बंदा जो सोचता है कि ये दुरुस्त है, अगर वो पैमाना हो जाए दुरुस्त होने का, तो यहाँ तो हजार हा सच हो जाएं जो एक दूसरे से टकराएंगे। इस आदमी की सोच में ये दुरुस्त है और ये गलत है। साथ वाला जब अपनी अंदाज से सोचेगा तो यकीनन कुछ इख्तलाफ करेगा उसकी राय से, तो उसकी समझ में ये आधा दुरुस्त है और आधा गलत है जो उसने सोचा, तो आधा इसकी सोच में फ़र्क आ गया। तीसरे बंदे ने सोचा तो वो इनसे और मुख्तलिफ सोचेगा, उसके यहाँ दुरुस्तगी और नादुरुस्तगी, सही और गलत कोई और चीज़ हो जाएगी। चौथे के यहाँ सही और गलत कोई और फैसला बन जाएगा। तो अलगरज फिर तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी आफाकी और कायनाती सच्चाई, एब्सोल्यूट ट्रुथ, हक के मुतलक कामिल सच्चाई, जिसके गलत होने में कोई शक न हो, फिर वो रहेगी नहीं। अगर हर बंदे की अपनी सोच पे हम छोड़ दें तो कभी कामिल सच पे आप पहुंच ही नहीं सकते। और ये नुक्ता याद रखें, इसलिए अब मैंने कहा अब जोश से निकल जाएं, जोश की वादी से अब होश के मैदान में आके पूरे तौर पे समझें। सच क्या है, हक क्या है, गलत क्या है, ये हजार हा साल पहले से फलसफी सोचते चले आए और तारीफ करते चले आए। वो उनका अपना फ़लसफ़ा था, अपनी सोच थी। हर दूसरा आकिल, अकलमंद, इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर पहले की कही हुई बात से इख्तिलाफ करता, फिर उसके बाद अगला फ़लसफ़ी कुछ और सोचता, वो उससे इख्तिलाफ करता। किताबें भरी पड़ी हैं, इसमें सुकरात भी आए, बुकरात भी आए, इसमें अरस्तू भी आए, बड़े बड़े अफलातून भी आए, बड़े बड़े हुकमा आए, फ़लसफ़ी आए, फ़िलासफ़ा आए, उकला आए, ज़ुअमा आए, उलमा आए, यहूद में भी, मसीहियों में भी, अंबिया के पैरोकारों में भी, किसी मज़हब को न मानने वालों, काफ़रों और मुशरिकों में भी, और बिल्कुल सिरे से मज़हब पर ईमान न रखने वालों में भी। हर दौर में मुख्तलिफ अकवाम में, मिल्लतों में वो कला आते रहे और बताते रहे, ये सच है, ये ट्रुथ है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। हर कोई अपना पैमाना देता रहा, हर बात के वो कमा जमाने के वो उसको इख्तलाफ करते रहे। बिलाखिर फैसला कैसे हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारी सारी सोचें महदूद हैं, क्योंकि बंदा खुद एक महदूद वजूद है, उसका दिमाग भी महदूद, उसकी सोच भी महदूद, और जिस नतीजे पर पहुंचता है वो भी महदूद, और वो जो कि महदूद चीज़ को देखता है और ला महदूद पे उसकी नज़र नहीं होती, लिहाजा वो जो नतीजा निकालता है, फैसला करता है, वो भी महदूद होता है, और जो सच्चाई है वो लामहदूद होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये सब तुम्हारी सोचें हैं, और तुम्हारी सोचें असल सच तक नहीं पहुंचती, असल सच वो है जो मैं वही की सूरत में अपने पैगंबर पे उतारूंगा, अपने नबी पे उतारूंगा, रसूलों पे उतारूंगा, अंबिया पे उतारूंगा। और अल्लाह पाक ने हर दौर में वही भेजी, और लोगों ने अपनी अपनी सोचों के जो बुत बना रखे थे वो पाश पाश किए, और फिर उन्हें हिदायत मिली वही से, ता आके हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और कुरान मजीद नाजिल हो गया, और अल्लाह पाक ने फरमाया ये अलहक्कुल मुबीन है, ये असल और रोशन हक है। और
शुरू करते ही फरमा दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। जो कुछ तुम सोचते थे उसमें शक की गुंजाइश थी, शक थे, शुकूक थे, शुबहात थे, गलती के इम्कानात थे। अब ये किताब जो कुरान तुम पे उतारा है, ये कुरान, ये किताब जो आई है, ये सरासर हक है और इसके हक होने में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है। जिन्होंने कुरान मजीद के इस दावा को कबूल कर लिया कि असल सच वो है जो कुरान बताता है, और कुरान के हक और सच होने में सिर्फ ये बात नहीं कि शक नहीं है बल्कि शक की गुंजाइश ही नहीं है, जिन्होंने ये बात मान ली वो मोमिन हो गए, वो मोमिन हो गए। जो मुतरद्दिद हुए कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है, शायद कुछ हमारी सोचों में सच्चाई है, कुछ कुरान को माने, कुछ अपनी बात को, अपनी सोच को माने, जो मुतरद्दिद हो गए, रैब में पड़ गए, वो मुनाफिक हो गए, और जो मुनकिर हो गए कि कुरान की बात को हम हक के मुतलक अल्टीमेट ट्रुथ सच्चाई नहीं मानते, जो हमारी सोचों में आता है उसको सच मानते हैं, जो कुरान के सच होने के मुनकिर हो गए वो काफिर ठहरे। तीन तबकात बने दुनिया में जिन्होंने अपनी सोचों को, अपने दिमागों को, अपने फिक्र को, अपने फैसले को, अपने नताइज फिक्र को जब कुरान से टकराया तो सरेंडर कर दिया और कहा कि कुरान सच है, जो बात कुरान कहता है। भला हमारी तबीयतें उसे कबूल करती थी, बोलिए, या नहीं? हमारी सोच वो थी या नहीं? हमारे अंदाजे वो थे या नहीं? मगर जो कुरान ने कह दिया वही हक है, वही सच है। जिसने अपनी हर सोच को कुरान मजीद के बयान के सामने सरेंडर कर दिया वो मोमिन हुए, यानी अल्लाह के नबी के फरमान के सामने सरेंडर कर दिया वो मोमिन हुए। जो अपनी सोच और कुरान का बयान, अपना ज़ाम और फिक्र और अल्लाह के रसूल का फरमान, इसके दरमियान मुतरद्दिद हो गए, उनको तरद्दुद और शक को शुबा रहा, कभी इधर कभी इधर, जम न सके, वो मुनाफिक कहलाए। जो कुरान पर मुनकिर हुए और अपनी बात पर जम गए वो काफिर कहलाए। सो ईमान, निफाक और कुफ्र, तीन हालतें बनी मोमिन की। मुसलमान की आफियत ईमान में है, हमारी आफियत, बोलिए, ईमान में है, ना इनकार में है, ना शक को इर्तियाब में है, ना इनकार और कुफ्र में है, ना शक और तरद्दुद में है। कुरान की बात पर जम जाना और अल्लाह के रसूल के फरमान पे जम जाना, इतना जमना कि बात समझ में आए या ना आए, तबीयत कहे कि हक यही है, ये ईमान। इसलिए ईमान की तारीफ ये की गई, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये किताब है इसके हक होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। जब ये कैफियत हो जाए, तीन जुमले हैं कुरान मजीद के, उसने अपनी बात बताने से पहले तीन शर्तें लगा दी कुरान मजीद ने, ये तो सूरह बकरा है, उसके बाद अपनी बात शुरू की है, अपना मैसेज शुरू किया है, अपना पैगाम दिया है, अपनी तालीम दी है, पहले तीन कंडीशंस लगा दी हैं। पहली कंडीशन ये है, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह,
इस किताब को इस तरह मानना है कि इसमें किसी शक की गुंजाइश न रहे। उसने खिड़कियां खोल दी, शक की गुंजाइश न रहे, यूं मानो। बारी ताला मान लिया। उसके बाद फरमाया हुदल्लिल मुत्तकीन, जो ये मान लेगा कि कुरान की बताई हुई बात में कोई शक नहीं, बाकी हर शख्स की कही हुई बात में कमी बेशी हो सकती है, कि हर शख्स जो बात कहेगा वो अंदाजे से कहेगा, कैलकुलेशन से कहेगा, वो हालात के तनाजुर में कहेगा, अपनी शऊर फहम बसीरत और हिकमत से कहेगा, अपनी अक्ल से कहेगा, हालात व वाकयात की रोशनी में कहेगा। हर शख्स अल्लाह की दी हुई सलाहियत से असेस करके कहेगा। एक कुरान वो किताब है जो असेसमेंट नहीं देती। कुरान बोलिए असेसमेंट नहीं देता, और अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल अपनी असेसमेंट से बात नहीं करता, वो वही से बात करते हैं। अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के नबी की बात बेस्ड ऑन असेसमेंट बोलिए नहीं होती, बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होती, तज्जिया पर मबनी नहीं होती। वो जब हुक्म देते हैं, हुक्म फरमान देते हैं कती कि ये हिदायत है, ये हक है, ये सच है, जब ये फरमाते हैं अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल, तो वो वही इलाही होती। तो फरमाया जब ये मान लोगे तो फिर ये कुरान ऐसे लोगों को हिदायत देता है, हुदल्लिल मुत्तकीन, ऐसे लोग परहेजगार होते हैं, उनके लिए हिदायत है ये कुरान। हिदायत का मतलब है रोशनी दे देता है। अगर कोई अंधेरे में भटक रहा है उसको रोशनी देता है, कोई मुतजब्जब है तो उसको तजब्जुब से निकाल कर, क्लैरिटी नहीं, तजब्जुब है जेन में, तजब्जुब से निकाल के उसे वाजे मंजिल की तरफ, हक के शऊर की तरफ, सच्चाई की तरफ ले जाता है। अगर तरद्दुद है, शक है, तरद्दुद है, तो तरद्दुद से निकाल कर यकीन की तरफ ले जाता है। अगर अदम इत्मीनान है तो उसे इत्मीनान की तरफ ले जाता है। हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत का माना। अगर बेचैनी है, इस्तिराब है, परेशानी है, तो उसे बेचैनी और परेशानी से निकाल के सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाता है। अगर जहन में उलझन है, दिल में मायूसी है, तो उसे उलझन से निकाल कर वाजे रोशन नतीजे तक पहुंचाता है, और मायूसी से निकाल के उम्मीद और यकीन की तरफ ले जाता है। यह माना है हुदल्लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। हिदायत का माना सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ना बताता है, रोजा बताता है, हज और जकात बताता है, नहीं, बंदे को तजब्जब सी की कैफियत से निकाल के यकीन तक पहुंचा देता है। उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी, ये क्या है, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, मैं क्या करूं, ये क्या बना मेरे साथ। इंसान जिंदगी के हजार हा मसाइल में परेशान होता है, उसे समझ नहीं आती। तो वो जो कैफियत है जिसमें समझ होती है, वो उसकी जाती अकल और दिमाग की तख्लीक है ना, और ख्वाहिश नफ्स और जाती सोच, ये सब एक माना में हवा में आते हैं। कभी हवाए नफ्स है और कभी तख्लीक अक्ल है, बंदे की अपनी सोच है, अपनी तख्लीक है, अपना जाती फहम है। फरमाया वो अपने आप से बोलता नहीं है। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, रसूल को देखा करो, चुप करके बैठा करो, जब रसूल के लब हिले समझो अब वही आ रही है, जब रसूल बोले समझो खुदा बोला है, जब रसूल बोले तो समझो खुदा बोला है। रसूल खुदा के बोले बगैर नहीं बोलता, रसूल खुदा के बताए बगैर नहीं बताता, रसूल खुदा के समझाए बगैर उम्मत को नहीं समझाता। रसूल जब कलाम करता है वो अल्लाह का बयान होता है।
इसलिए उसमें शक नहीं रहता। तो फरमाया ऐसे लोगों को कुरान हिदायत देता।